नमस्ते बच्चों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। बाल महाभारत कथा भाग 8 कर्ण के प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। प्रश्न, पांडवों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा किसने दी? उत्तर, पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। प्रश्न, भारी समारोह का आयोजन क्यों किया गया? उत्तर, सभी विद्याओं में निपुण होने पर अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। प्रश्न, उस आयोजन में क्या हुआ? उत्तर, सभी राजकुमार अपना कौशल दिखाते हुए चाहते थे कि वही सबसे आगे निकल जाएं। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। दुर्योधन ईर्ष्या से जलने लगा। प्रश्न, रोबीला और तेजस्वी युवक कौन था? उत्तर, रोबीला और तेजस्वी युवक अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण था। कुंती पुत्र होने की बात किसी को पता नहीं थी। प्रश्न, कर्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उत्तर, कर्ण ने अर्जुन से कहा, मैं तुमसे बढ़कर कौशल दिखा सकता हूँ, क्या तुम तैयार हो? प्रश्न, कर्ण की बात का दुर्योधन पर क्या असर पड़ा? उत्तर, कर्ण की बात से ईर्ष्या में जलने वाले दुर्योधन को बड़ी राहत मिली। प्रश्न, आयोजन में कर्ण ने क्या कहा? उत्तर, कर्ण बोला, राजन, मैं अर्जुन से द्वंद युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूं। प्रश्न, अर्जुन ने कर्ण से क्या कहा? उत्तर, अर्जुन ने कहा, जो बिना बुलाए आते हैं और बिना पूछे बोलने लगते हैं, वह निंदा के योग्य हैं। प्रश्न, क्या कुंती ने कर्ण को पहचान लिया? उत्तर, कर्ण को देखते ही कुंती ने उसे पहचान लिया था। प्रश्न, कृपाचार्य ने क्या कहा? उत्तर, कृपाचार्य ने कहा, द्वंद युद्ध बराबर वालों में होता है, तुम्हारा परिचय जाने बिना द्वंद युद्ध नहीं हो सकता। प्रश्न, कृपाचार्य की बात पर दुर्योधन ने क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन बोला, बराबरी के लिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। प्रश्न, समारोह में आया बूढ़ा कौन था? उत्तर, कर्ण के राज्याभिषेक के बाद पिता अधिरथ आए और बेटे को गले लगा लिया। प्रश्न, इंद्र कर्ण के पास क्यों गए? उत्तर, देवराज इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में अर्जुन पर कोई विपत्ति ना आ जाए। कर्ण की ताकत कम करने के लिए इंद्र भिखारी के वेश में उसके जनजात कुंडल और कवच की भिक्षा मांगने गए। प्रश्न, क्या कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दे दिए? उत्तर, कर्ण को पता था कि भिखारी के वेश में इंद्र हैं, फिर भी उसने कवच और कुंडल उन्हें दे दिए। कर्ण की दानवीरता से प्रश्न होकर इंद्र ने वरदान मांगने को कहा। प्रश्न, कर्ण ने इंद्र से क्या वरदान मांगा?
उत्तर कर्ण ने इंद्र से कहा, शत्रुओं का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। प्रश्न, देवराज इंद्र ने क्या कहा? उत्तर, देवराज ने कहा, तुम यह शस्त्र सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हो। युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करोगे, यह उसे मारकर मेरे पास वापस आ जाएगा। प्रश्न, कर्ण ने ब्रह्मास्त्र की शिक्षा किससे ली? उत्तर, कर्ण ने ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी से प्रार्थना की कि उसे अपना शिष्य बना ले व ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे। परशुराम जी ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया। प्रश्न, परशुराम जी ने कर्ण को क्या श्राप दिया? उत्तर, परशुराम जी ने कर्ण से कहा, तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जो विद्या सीखी है वह तुम्हारे काम ना आएगी, ऐन वक्त पर तुम भूल जाओगे। रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धस जाएगा। बाल महाभारत कथा भाग 8 के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगला भाग है द्रोणाचार्य। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।